छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में बुधवार रात गरबा उत्सव के दौरान जमकर हंगामा हो गया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव मनीष श्रीवास्तव के बेटे सिद्धार्थ श्रीवास्तव और एसडीओपी के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि नशे में धुत सिद्धार्थ और उनके दोस्त हंगामा कर रहे थे। मना करने पर एसडीओपी से भिड़ गए। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। इसी बीच सिद्धार्थ के पिता मनीष ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विकास नगर स्टेडियम मैदान में गरबा उत्सव चल रहा था। गश्त पर निकले एसडीओपी निमितेश सिंह परिहार को सूचना मिली कि वहां कुछ युवक हंगामा कर रहे हैं। एसडीओपी वहां पहुंचे और मना किया तो एक युवक ने मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उनके ड्राइवर ने बीच बचाव किया तो आरोप है कि उसका मोबाइल छीन कर पटक दिया गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, बाकी सभी भाग निकले हैं। पकड़ा गया आरोपी युवक प्रदेश कांग्रेस महासचिव का बेटा सिद्धार्थ श्रीवास्तव है। पुलिस ने अगले दिन गुरुवार सुबह 5 और लड़कों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि एसडीओपी निमितेश सिंह राउंड पर निकले हुए थे। कुछ लड़कों के हुड़दंग की सूचना पर पहुंचे और समझाइश दी, लेकिन वे अभद्रता करने लगे। इस पर सभी के ऊपर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। सभी सूखे नशे में धुत थे। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।